और महाराष्ट्र में बागी गुट ने करीब करीब अपना रास्ता तय कर लिया है। शिवसेना के करीब 39 विधायकों का समर्थन हासिल कर लिया गया और निर्दलियों के साथ के बाद उनके पास विधायकों की संख्या भरपूर है। दोपहर 12 बजे शिंदे ने बागियों की अहम बैठक बुलाई है और इस बीच गुवाहाटी से मुंबई तक सरकार पर हलचले तेज है। विभागों का बंटवारा किए जाने के बाद ये पहली बैठक बताई जा रही है। बाकी मंत्रियों से पद छीनने के बाद ये पहली अहम बैठक जो 12 बजे बुलाई गई है। सूत्रों के मुताबिक शिंदे गुट और बीजेपी के बीच सरकार को लेकर मंथन भी तेज हो चुका है। सूत्रों के मुताबिक शिंदे कैंप 13 और बीजेपी खेमा 29 मंत्रियों के फॉर्मूले पर मंथन कर रहा है। कमलेश सुतार मेरे सहयोगी इस वक्त तमाम जानकारी के साथ जुड़े हैं। कमलेश, अब देखिए ये बेहद अहम और नाटकीय मोड़ जब ये भी तय कर दिया गया है कि किसको क्या मिलेगा, कौन सा मंत्रालय किस पार्टी के पास कितने पद रहेंगे। जैसे ही महाराष्ट्र में कल से गतिविधियां तेज हो गई उसके बाद में ये मानकर चल रहा है शिंदे खेमा की उद्धव ठाकरे के पास कोई अभी विकल्प नहीं बचा और महाराष्ट्र में जल्दी नई सरकार आ सकती है जिसको लेकर अटकलों का बाजार गर्म है। साथ ही साथ अगर सरकार आती है तो किस तरह का फॉर्मूला रहेगा इस पर भी मंथन हो रहा है। शिंदे कैंप चाहता है कि 13 मंत्री पद उनके खाते में आए, फिलहाल 5 मंत्री उनके साथ बगावत में शामिल है, कैबिनेट मिनिस्टर और 4 MOS यानी जूनियर मिनिस्टर उनके साथ में इस वक्त बगावत में। साथ ही साथ 4 और कैबिनेट चाहते हैं एकनाथ शिंदे का खेमा, और साथ ही साथ जो निर्दलीय विधायक उनके साथ आए या छोटे दलों के उनके जिन्होंने समर्थन दिया शिंदे गुट को उनको बीजेपी अपने कोटे से अकोमोडेट करे, तो ये भी मांगे रही है उनकी और इस पर भी सीरियस विचार मंथन चल रहा है इस वक्त। किस तरह से आगे बातें बढ़ती है लेकिन बातें अटक गई है कि अगर महाराष्ट्र में सरकार जानी है या फिर किसे दावा करना है कि सरकार अल्पमत है, ये सब होने के बाद में ये सब गतिविधियां और ज्यादा तेज हो सकती है। कमलेश, जरा ये भी बताइए क्योंकि चर्चाएं तो ये भी चल रही थी कि MNS को भी साथ लिया जा सकता है क्योंकि 2 से 3 बार उनसे बातचीत भी हुई है शिंदे की, तो क्या ऐसी संभावना है कि ये MNS भी साथ हो और बीजेपी भी साथ हो और उसके बाद दावा किया जाए। देखिए MNS के पास सिर्फ 1 विधायक है तो उनका साथ में आना न आना यहाँ पर बहुत ज्यादा मायने नहीं रखता है। MNS की चर्चा इसलिए हो रही थी कि अगर मर्जर का सवाल अगर आता है, इन विधायकों को अगर पार्टी कहीं पे मर्ज करनी पड़े तो MNS भी एक ऑप्शन हो सकता है, इस तरह की अटकलें लग रही थी कि जिस तरह की शिवसेना ने बात रखी थी कि इन बागी विधायकों को अपनी पार्टी प्रहार में मर्ज करनी पड़ेगी क्योंकि प्रहार के अध्यक्ष बच्चू कडू बगावत में शामिल है, तो ये बातें चलकर सामने आ रही थी। तो MNS एक ऑप्शन हो सकता है, हिंदुत्ववादी पार्टी रही है, ठाकरे नाम भी साथ में, इसीलिए इस नाम को लेकर अटकलें चल रही थी। लेकिन अगर साथ में लेकर चलने का सवाल है तो MNS के पास महज 1 विधायक है और ऐसे में जब एकनाथ शिंदे के पास खुद के उनके खुद के साथ में लगभग 45 से ज्यादा विधायक है तो ऐसे में MNS की उन्हें जरूरत नहीं होगी। कमलेश, एक तरफ तो आदित्य ठाकरे कह रहे हैं कि 15 से 16 विधायक उनके संपर्क में हैं, जब वो मुंबई आएंगे तो पाला बदल लेंगे, अभी जब इस बात पे ही संशय बना हुआ है तो ये बात कहां तक करना जायज है कि किसको क्या मिलेगा। देखिए क्या है, आदित्य ठाकरे अपने पार्टी के काडर में पिछले 4 दिनों से लगातार घूम रहे हैं, दिन में 3 से 4 रैलियों को संबोधित कर रहे हैं, पार्टी काडर में एक हौसला अफजाई का काम कर रहे हैं। ऐसे में पार्टी ना टूटे, भले ही लेजिस्लेटिव पार्टी टूट गई हो, MLA पार्टी के चुनकर आए हुए प्रतिनिधि पार्टी से निकल गए हो, लेकिन पार्टी का जो कार्यकर्ता है वो ना टूटे, इसलिए आदित्य ठाकरे उद्धव ठाकरे लगातार कोशिश कर रहे हैं। संजय राउत भी थोड़ी देर बाद अलीबाग में एक रैली को संबोधित करेंगे, पार्टी कार्यकर्ताओं से बात करेंगे, ऐसे में ये बातें कहना जरूरी होता है उनको। और आदित्य ठाकरे लगातार ये बात कह रहे हैं कि इनमें से 15 से 16 विधायक ऐसे जो हमारे संपर्क में, उन्हें बंधक बनाकर रखा गया, जब मुंबई आएंगे तो पता चलेगा। शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए आपका। अशोक सिंघल मेरे सहयोगी इस वक्त तमाम जानकारी के साथ गुवाहाटी से जुड़ गए हैं, मेरे सहयोगी ऋत्विक इस वक्त मुंबई से जुड़ गए। और जल्दी से जरा अशोक का रुख करते हुए, अशोक क्योंकि यही खबरें आ रही थी कि यहां एक तरफ कोशिश उद्धव गुट की ये है कि वहां से विधायक वापस आए लेकिन वो कुछ होता हुआ नजर नहीं आ रहा, शिंदे कुनबा ही बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, ये जानकारी मिल रही है कि कुछ और विधायक जुड़ सकते हैं इनके साथ, कब तक हो सकता है ये। बिल्कुल उम्मीद की जा रही है कि आज एक और विधायक शिवसेना गुट से टूट करके एकनाथ शिंदे गुट में आ सकता है। हालांकि पिछले 2 दिनों से ये चर्चा थी कि 2 विधायक और आएंगे लेकिन संजय राउत के भाई का नाम भी था, उन्होंने डिनाई किया, तो लेकिन आज उम्मीद की जा रही है एक और विधायक जुड़कर आएंगे क्योंकि लगातार शिवसेना की तरफ से चाहे उद्धव ठाकरे हो, इमोशनल अपील की गई, फिर उसके बाद तेवर दिखाए गए संजय राउत, आदित्य ठाकरे, तमाम लोगों की तरफ से, तो काम नहीं आए। दावा बार बार किया जा रहा है कि 15 से 16 विधायक हमारे टच में, लेकिन जो उनके नजदीकी थे उदय सावंत 2 दिन पहले उनके साथ मीटिंगों में पार्टिसिपेट करते थे आदित्य ठाकरे उद्धव ठाकरे के साथ, वो भी टूट के 2 दिन पहले यहाँ पे आ चुके हैं, तो यहाँ सेंधमारी करने की बजाय एकनाथ शिंदे गुट में उधर से ही विधायक टूट टूट के आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं चैलेंज शिवसेना के लिए है क्योंकि लगातार उनका कुनबा छोटा हो रहा है और यहाँ पे बढ़ रहा है। दूसरा, सुप्रीम कोर्ट के आदेश निर्देश के बाद भी इनके हौसले बुलंद हैं, उत्साह में हैं, खुश हैं, तो और उधर से विधायक जुड़ रहे हैं, तो
तो कहीं ना कहीं एक नाथ शिंदे जो है लगातार उनका मनोबल बढ़ रहा है, और दूसरा बीजेपी उनके साथ शामिल है, रणनीति जो बनाई जा रही है कल सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बाद बीजेपी लगातार टच में है कि आगे कैसे बढ़ा जाए। हालांकि इनिशिएट अभी नहीं कर रहे हैं, बीजेपी आगे बढ़ के नहीं कर रहे हैं, लेकिन अपने फ्रंट पर देवेंद्र फडणवीस अलग से मीटिंग जा रहे हैं, फुट पर यहां पर बीजेपी दिखाई दे रही है, फोर फ्रंट में भी आकर नहीं खेल रही है। लेकिन इस बीच ऋतिक भी हमारे सहयोगी मुंबई से जुड़े हुए। ऋतिक, जो 2:30 बजे कैबिनेट की बैठक बुलाई है उद्धव ने, क्या एजेंडा रहने वाला है इसका? जी बिल्कुल, एजेंडे पर तो कई सारे चीजें हैं अगर राजनीतिक रूप से देखें, लेकिन जिस तरह से कल एक निर्णय लिया गया था, सीएमओ कार्यालय से प्रेस रिलीज इशू की गई थी कि जो बागी विधायक और जो बागी मंत्री गुवाहाटी में बैठे हैं उनका चार्ज जो है वो दूसरे लोगों को जो कि यहाँ मौजूद है उनको ट्रांसफर कर दिया गया है। ऐसे 9 मंत्री है जिसमें 5 कैबिनेट और 4 एमओएस दर्जा के है, लेकिन ये निर्णय लेने के बाद आज ये बैठक बुलाई गई है। और ये प्रेस रिलीज में बताया भी गया था कि जिस तरह से स्थिति महाराष्ट्र में है, मॉनसून आ चुका है और बारिश कई जगह पर हो रही है, किसानों के हाल कई जगह पर हो रहे हैं, तो उसको लेकर जो है आज कैबिनेट में चर्चा हो सकती है। एजेंडा पर जो है दिखाई दे सकता है कि इन विषयों पर चर्चा हुई है, लेकिन सबसे अहम बात यही होगी कि मुख्यमंत्री फिर एक बार कैबिनेट में मौजूद रहेंगे कि नहीं रहेंगे, या फिर से वर्चुअली वो इस कैबिनेट को संबोधित करेंगे। सवाल ये भी है कि क्या मुख्यमंत्री अब जो कि स्थिति दिख रही है राजनीतिक, नंबर बढ़ते जा रहे हैं एकनाथ शिंदे कैंप के पास, और शरद पवार जो कि दिल्ली से मुंबई लौटे हुए रात को, आज वाईबी चव्हाण सेंटर में पहुंचे हुए सुबह, कोई हलचल खासकर दिख नहीं रही है।